मैं प्रकाश सोलंकी टारगेट विद बलराम स्वामी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से लेसन को पूरा देखा करो और साथ में नोट्स बनाया करो। किसी भी प्रश्न की समस्या आए तो कमेंट जरूर किया करो, इस बात का ध्यान रखना। कमेंट यदि आप करोगे तो आपको ज़बरदस्त लेक्चर और हम देने वाले हैं। करंट की क्लासें भी जल्दी से शुरू करेंगे यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे तो ही। आज हम मेवाड़ के आगे वाले इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं कि मेवाड़ का आगे वाला इतिहास क्या है। आज का हमारा रहेगा पार्ट 5, इतिहास का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और उस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस है, इधर आ जाओ। हमने ये देखा था कि हमारा जो न्यू शासक था वो राजगद्दी पर बैठ चुका था, उसका नाम क्या था, हमीर था। ठीक है, हमीर। और ये कौन था, ये सिसोदिया था। और इसने यहाँ पर रावल शाखा की पुनः स्थापना की थी। क्यों, क्योंकि ये बैठा था 1326 से लेकर 1364 तक जो अधिकार था वो हमीर सिसोदिया का था। और हम एक चीज़ जानेंगे कि हमीर के पिता जो थे वो कौन थे, तो इनके पिता थे हरी सिंह। और हरी सिंह के पिता, मानो हमीर सिसोदिया के दादा का नाम क्या था, लक्ष्मण सिसोदिया। लक्ष्मण सिसोदिया। और लक्ष्मण सिसोदिया क्या हुआ कि अपने 7 बेटों के साथ ये क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया का ही एक बेटा है जिसका नाम हरी सिंह। और हरी सिंह का पुत्र कौन था, हमीर। अब देखो क्या हुआ था, एक तो हम पढ़ते हैं रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी, रणकपुर प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति किसके अनुसार है, रणकपुर ये पाली वाली है। रणकपुर प्रशस्ति क्या लिखती है कि 1303 में क्या हुआ कि 1303 में एके का राज हो गया कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है 1303 के अंदर। और ये जो क्षेत्र है ये अपने पुत्र को सौंप देता है जिसका नाम क्या था, खिज्जर खान। और इधर ये घटना देखी। फिर हमने देखा कि 1311 में क्या हुआ था कि जालौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने जालौर पर आक्रमण किया और जालौर को जीत लिया और इसका नाम भी क्या रख दिया, जलाला और बाद रख दिया था। इससे पहले यदि हम थोड़ा सा जाएं तो हम बात करेंगे 1308 में। 1308 में इन्होंने जीता था सिवाना को। सिवाना जालौर दुर्ग की कुंजी है और इसका नाम रखा था खेराबाद। तो ये सारी अलाउद्दीन खिलजी की ही घटना है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना को जीता और खेराबाद नाम रखा। और 1311 में क्या हुआ कि जालौर पर आक्रमण किया। जब जालौर पर आक्रमण किया तो उस समय जालौर में कौन थे, एक था कानड़देव, याद रखना, और एक था दोस्तों कौन, बिरमदेव। कानड़देव और कानड़देव का बेटा बिरमदेव था। और एक यहाँ पर कौन था, मालदेव था। और ये मालदेव कौन था, सोनगरा था। अब इस मालदेव सोनगरा ने क्या किया था कि ये चला गया था किसकी शरण में, भागकर किसकी शरण में, अलाउद्दीन खिलजी कन चले गयो कौन, और मालदेव सोनगरा चले गयो। मालदेव और सोनगरा बोले अलाउद्दीन कन जाके बोलो मन ना मारो, हाँ बे बाप और बेटा कसूर है, ये मैं मन ना मारू। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नहीं मारा और इसको शरण में ले लिया और इसको चित्तौड़ का क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। अब 1311 से लेकर 1326 तक का जो काल था उसमें सोनगरा आए थे यहाँ पर।
रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार हम कुछ जान रहे हैं। अब उसमें ये मालदेव सोनग्रह था, इसको क्या बना दिया, खिज्जर खां यहाँ से चला गया और पहले बाप चला गया अलाउद्दीन, फिर पीछे पीछे बेटा चला गया खिज्जर खां, सौंप कर किसको चले गए, मालदेव को। अब मालदेव को सौंप कर चले गए, लेकिन ये क्या है, मेवाड़ का अंधकार है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सोनग्रह चौहानों का राज हो रहा है धीरे 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 मेवाड़ पर, लेकिन ये अंधकार था। 1303 से लेकर 1326 तक का मेवाड़ का अंधकार है, ध्यान रखना। प्रश्न कभी भी आ सकता है, बताइए मेवाड़ का अंधकार कब से लेके कब तक के काल को माना जाता है, तो प्रश्न आ सकता है 1324 से 1364, ये भी आ सकता है 1303 से 1326, ये भी आ सकता है 1313 से 1326, ये भी आ सकता है 1303 से 1311 तक। तो इसमें कौन सा सही होगा, 1303 से लेके 1326 तक का मेवाड़ में अंधकार है, क्यों पता चल गया। अब क्या हुआ कि 1326 की यदि बात करें, क्योंकि हमीर सिसोदिया का शासनकाल 1326 से 1364 तक है, हम बात करें 1326 की, तो 1326 में यहाँ पर कौन था, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पर कौन था, यहाँ था बनवीर। अब यह बनवीर किसका पुत्र है गुरु जी, ये पुत्र है मालदेव का, और मालदेव सोनग्रह जिसे हम कहते हैं मुंशाला मालदेव, ठीक है दोस्तों, हाँ बनवीर था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अमीर सिसोदिया ने बनवीर को मार दिया, और इसको मारकर क्या कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, पुणे गोयल वंश की स्थापना होगी सिसोदिया नाम से। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक राप जो था उसने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, लेकिन हमीर को वास्तविक सिसोदियों का संस्थापक माना जाता है, इस चीज़ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर ये घटना हुई, लेकिन हम एक घटना पढ़ते हैं गौरी शंकर ओझा की, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। अब ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या लिखते हैं, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक बात लिखते हैं, वो कौन सी बात, कि यहाँ पर मालदेव का पुत्र जो था उसका नाम था जैसा सिंह, या फिर उसका नाम था जय सिंह, पता चला आपको, जैसा सिंह या फिर जय सिंह जो था वो मालदेव का पुत्र था गौरी शंकर के अनुसार। हाँ राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप ना, मैं आपको एक बहुत अच्छे और लेवल से शांत स्वभाव से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कुछ कर्तव्य आपका भी बनता है, हाँ ठीक है ना दोस्तों। तो ये जैसा सिंह या जय सिंह था, और इसको क्या किया, इसको मारकर क्या हुआ, इसको मारकर या फिर इसको हराकर हमीर क्या हुआ, शासन पर बैठा। तो ये दो तथ्य, एक तो रणकपुर के अनुसार और एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। हम देखो एक और बात करते हैं, इधर कर लिया कि हाँ सामने की सामने ही कर लूँ। इसे कहा गया है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया है किसको, ये उपाधियाँ इसकी किसकी, इसकी उपाधियाँ हैं, हमीर की उपाधियाँ हैं, कि हमीर को विषम घाटी पंचानन किसने कहा है, बहुत ही अच्छी है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसे विषम घाटी पंचानन किसने कहा है, जल्दी कमेंट करो। हाँ अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि किसी भी युद्ध के अंदर शेर की तरह अडिग रहना, किसी भी युद्ध के अंदर शेर की तरह अडिग रहेगा तो वो हमीर देव था, हमीर देव नहीं, ये हमीर था। अगली बात हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरी उपाधि जल्दी दो कि उपाधि किसने दी, दूसरी है वीर राजा की उपाधि, इसे वीर राजा कहा गया है, ये किसमें कहा गया, देखो एक बात बताता हूँ, इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है, कि पुणे मेवाड़ का उद्धार इन्होंने किया है, तो इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है पहली उपाधि, दूसरी विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तीसरी इन्हें वीरराज कहा गया है, ठीक है। हाँ सभी को नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेवाड़ का उद्धारक है और विषम घाटी पंचानन है वीरराज,
विषम वीर राज की यदि बात करें तो कुंभा की टिक्का थी, उस कुंभा की टिक्का में ये कहा गया है कि ये कौन था, वीर राजा था एक। अब ये कुंभा की टिक्का क्या है, अब देखो इनको मैं साफ कर देता हूँ। तो ये देखो कुंभा की टिक्का क्या है, एक है जिसका नाम है गीत गोविंद, और ये गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ब्राह्मण ने, किसने, जयदेव, और ये था ब्राह्मण, और इस जयदेव ब्राह्मण ने ये गीत गोविंद लिखी थी। और ये किस पर आधारित थी, ये भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित थी, कृष्ण व राधा पर आधारित थी ये गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद पर आधारित इसने कुंभा जी ने एक टिक्का लिखा जिसे कुंभा का टिक्का कहते हैं, रसिक प्रिया जिसे कहते हैं। इस टिक्का के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये वीरराज था, लेकिन विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया है जी, वो कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। कौन सी, 1460 वाली जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके अंदर कहा गया है कि विषम घाटी पंचानन था। यहाँ तक हमने ये पढ़ा किसको, हमीर को। तो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों हमीर, और यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कियो, लाइक करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं कर देता हूँ इसको साफ, रफ कर देता हूँ इसको मैं, जल्दी से ना इसको पेंद कर लिया करो बस, और अपने रजिस्टर के अंदर ऐसे नोट्स बनाना कि जो आपको बहुत शानदार परीक्षा की ओर ले जाए। ये किसी भी परीक्षा में रुकने वाले प्रश्न नहीं है, आप जान सकते हो, चेक कर लेना। मैं जल्दी आपके लिए बहुत शानदार क्लास लेके आऊँगा और उसमें वही प्रश्न होंगे जो आए हुए हैं बस। अब हम आगे की बात करते हैं, हमने बात की 1300 कहाँ से, 26 से लेकर 1364 तक की बात कर रही थी, यही 1326 से 1364 तक की हम बात कर रहे हैं, 6 और 4 की हम बात कर रहे हैं। जब हम 6 और 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तथ्य आता है आपके सामने चलकर, वो तथ्य क्या है देखो। अब क्या है कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध। आज यदि सिंगोली की बात करें तो ये पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर, और इस बांसवाड़ा के अंदर सिंगोली नामक स्थान, वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। मोहम्मद कासिम तुगलक था एक तरफ, कौन था, तो वो था मोहम्मद कासिम और तुगलक था, एक तरफ मोहम्मद कासिम तुगलक था और एक तरफ जो था उसका नाम क्या था, हमारा ये था अमीर, एक तरफ अमीर सिसोदिया, एक तरफ मोहम्मद कासिम। हम सिंह उगा देंगे किसी के, हम तो सिंह उगा देंगे। एक तरफ अमीर सिसोदिया, एक तरफ कौन है, मोहम्मद कासिम, और बीच में सिंह है, सिंगोली का युद्ध है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद कासिम हार जाता है, और जब मोहम्मद कासिम हार जाता है तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कौन, हमीर जी। और इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसे कहा क्या, इसे कहा अन्नापूर्णी माता। अन्नापूर्णी माता का उपनाम आता है बर और बड़ी माता, यही अन्नापूर्णी और बर बड़ी माता जो थी ये हुई इनकी क्या, इष्ट देवी। हमने इससे पहले पढ़ा था कि इनकी कुलदेवी कौन सी थी, कुलदेवता कौन से थे, इष्ट देवता कौन से थे, और आज हमने पढ़ ली इष्ट देवी भी कौन सी है। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ये हम पढ़ते हैं हमीर के बारे में। हमीर के बाद हमीर का पुत्र कौन है उसको हम पढ़ते हैं। देखो हमीर है और हमीर का शासनकाल पढ़ा, अब हमीर का पुत्र जो था उसका क्या नाम था, उसका नाम था खेता सिंह। क्या नाम था, खेता सिंह, या फिर हम कह सकते हैं छेत्र सिंह कह सकते हैं, ये लो जी। अब आया छेत्र सिंह या खेता, छेत्र सिंह या खेता का समयकाल जो आता है वो आता है 1364 से लेकर 1382 तक। अब देखो 6 से क्या था 4, अब 4 से क्या हो गया 2, 6 का अर्थ हुआ 1326,
इसका अर्थ हुआ 1364, इसका अर्थ हुआ 1382, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम शासनकाल कौन सा पढ़ रहे हैं, 1364 से लेकर 1382 तक का, और शासक कौन है, खेता। इसके पिता का नाम क्या था, हमीर। अब एक छोटा सा राजस्थान का मैप देख लेना आप कि इस मैप में क्या है, उन्हीं बात पर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। ये लो जी, यहाँ पर मेवाड़ में कुण है, आज वो खेतो है, खेतांग अर्थ की हुए क्षेत्र, मतलब इसने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी की थी, किसमें, अपने ही क्षेत्र में बढ़ोतरी की थी, अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी किया करी। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर 56 का क्षेत्र था, उसको जीत लिया, किसके क्षेत्र को, 56 के क्षेत्र को इसने अपने अधिकार में, अपने अंडर में लिया, और पहली बात। दूसरी इनके क्रियो आ, और फिर गयो ज में, और फिर गयो मैं में, ई क्षेत्र ने भी अंडर में ले लियो। आ ज मैं किया, आऊँ मैं कर दियो अजमेर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ हो गयो अजमेर, और जय हूँ मैं के कर दियो, जय हूँ कर दियो जाजपुर, लो कोई दिक्कत को नहीं, और मैं के कर दियो मांडल, और गढ़ कर दिया। तो अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी की किसने, खेता ने, और किस प्रकार 56 का, किस प्रकार अजमेर, किस प्रकार जाजपुर, और किस प्रकार मांडलगढ़ के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, किसने ले लिया, इन ले लियो खेतो। अब देखो खेतो एक काम के करेगो, ओ खेते को काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, खेता का काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के करियो खेते, खेते हो क्रियो की खेतन पतो चालियो की अठे हो मालवा है, कुण है, मालवा कटपड़े एमपी में, एमपी अठे को नहीं, मालवा बिया तो अठे पड़े हो रही मालवा, ओ है अठे मालवा, बिया बनाऊ बिया याद करने वास्ते। अठे को एक गोरी शासक हो, बिंग नाम के हो दिलावर सिंह गोरी, दिलावर गोरी। अब दिलावर गोरी को क्या करता है, ये हरा देता है, कौन, खेता हरा दिया। जब खेता ने दिलावर सिंह को हराया तो एक बात सामने आई कि मेवाड़ का मालवा पर संघर्ष शुरू हो गया, मेवाड़ का मालवा पर संघर्ष शुरू हुआ था, किसके समय काल में, ऐसे प्रश्न बहुत आए हुए हैं, देखना ये प्रश्न, पहली बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपकी शुरुआत की पहली क्लास कौन सी, आप सबको याद है। और बाद में कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बस के अंदर, बस में जब बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं तो इधर उधर चलापड़ करते हैं, मतलब इधर उधर खिड़की खोलते हैं और खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं दृश्य, और आधी दूर जाती है, बीच में नींद आ जाती है, बाद में जब ऊपर उतरने का टाइम होता है ना, 2-3 किलोमीटर रह गया, फिर उतरेगा, फिर इधर उधर वो देखेगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को लगातार या तो देखना है या फिर सो जाना है, बस यही काम करना है। यहाँ पर क्या हुआ कि इस खेता के काल में क्या हुआ कि मालवा का मेवाड़ पर संघर्ष शुरू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इनके करी, इन आड़ोती पर चढ़ाई करी, ये ध्यान रखना, आड़ोती को अपने मालवा प्रदेश कहते हैं या मालवी बोली जाती है, और आड़ोती को मैं हाय प्रदेश भी कहता हूँ, इसका बहुत प्राचीन नाम है ये हाय और हाय नाम, हाय प्रदेश। आड़ोती में कौन से जिले आते हैं, हाँ बताएंगे, कोटा आता है, और बूंदी आता है, और बारा आता है, और कौन सा आता है, झालावाड़ आता है, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ का क्षेत्र ये आता है आड़ोती के अंदर। आड़ोती के शासकों को भी इसने क्या किया, आंख दिखाई, उनके साथ भी अपनी ताकत का परिचय दिया आड़ोती वालों को ही। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक बंदा था बूंदी के अंदर, और उस बंदे का नाम था लाल सिंह जी हाड़ा, कौन था, लाल सिंह जी हाड़ा था, और लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए लाल सिंह हाड़ा और ये खेता दोनों क्या हो गए, लड़ते मारे गए, कब की बात है, 1382 की बात है, दोनों लड़ते मारे गए। यहाँ तक आया होगा आपको समझ में कि दोनों ही क्या हुए, लड़ते मारे गए, कहाँ पर, बूंदी के अंदर, लाल सिंह आड़ा के साथ लड़ता हुआ, दिलावर
गोरी को, दिलावर खां गोरी को पराजित किया था इसने। यहां से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अच्छी चल रही है आपकी क्लास, बहुत शानदार चल रही है आपकी क्लास, तो क्लास का पूरा एंजॉय लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे की घटना क्या है। इसका बेटा कौन था? अब आएगा महान, कुछ यदि होगा ना तो वो अब भी होगा। लो जी खेता का बेटा कौन था? जब खेता चला गया तो खेता का पुत्र आया, और उस पुत्र का नाम क्या था इसी बात पर जानेंगे, तो वो था राणा लाखा। कौन था मेरे दोस्तों? वो राणा लाखा था। और इसका समय काल 1382 से लेकर 1321 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1382 से 1321। अब देखो 6 4 2 1, 6 का अर्थ हुआ 1326, 4 का अर्थ हुआ 1364, 2 का अर्थ हुआ 1382 और 1 का अर्थ हुआ 1321। ये शासनकाल हम पढ़ते आ रहे हैं या नहीं पढ़ते आ रहे हैं? तो अब देखो क्या है, इसने एक बात कही कि मेरे पिता को लाल सिंह हाड़ा ने मारा है। लाल सिंह हाड़ा जो था, उस लाल सिंह हाड़ा ने मेरे बाप को मारा है, लाल सिंह हाड़ा ने मेरे पिता को मारा है, मेरे पिता को मारा है, ये बात इसने की। किसने? लाल सिंह हाड़ा ने ये बात दिमाग में बिठा ली कि लाल सिंह हाड़ा ने मेरे पिता को मारा है, खेता को। अब इसने क्या किया, मैं इधर एक और राजस्थान का छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ें हम इस मैप में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर था बूंदी, और बूंदी का शासक था उस समय हमीर हाड़ा। कौन था? हमीर हाड़ा था। और इसने एक ही कहा कि जब तक मैं बूंदी का दुर्ग न जीतूं, बूंदी का दुर्ग, जब तक मैं बूंदी का दुर्ग न जीतूं, अन्न और पानी नहीं पीऊंगा मैं। किसने कहा ये? राणा लाखा ने कहा था कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नहीं जीत पाऊं, तब तक मैं अन्न और जल के हाथ नहीं लगाऊंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था राणा लाखा ने कहा। देखो अब फिर राणा लाखा ने क्या किया, 1387 के अंदर, कब की बात है दोस्तों? ये 1400 आ जाएगा ना, 1421 आ जाएगा, 1300 थोड़ी होगा। अब 1387 के अंदर इसने यहाँ पर एक खान खुदवाई। इस खान का नाम था जावर खान, और ये जावर खान किसकी खान है दोस्तों? चांदी की खान खुदवाई थी इन्होंने। राणा लाखा ने चांदी की खान खुदवाई और बहुत सारी चांदी निकली, और राणा लाखा के पास में बहुत सारे क्या हो गए? रुपये हो गए। अब जब बहुत सारे रुपये हो गए राणा लाखा के पास में, तो लाखा ने एक काम किया कि 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके जो मंदिर तुड़वाए थे, उन मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया था इसने। किसका? उन मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? इसका ध्यान रखना, तो इस बंदे ने करवाया था उनका जीर्णोद्वार। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की कंडीशन ये है कि जावर से ना क्या निकलता है? गेलेना निकलता है। गेलेना क्या है? गेलेना एक आयसक है। ये कैसा आयसक है? ये चांदी और सीसा और जस्ता तीनों का आयसक है। देखो आज हम बात करें जावर से, तो जावर से गेलेना आयसक प्राप्त होता है। गेलेना क्या है? गेलेना है कि सीसा, जस्ता और चांदी तीनों एक ही रूप में निकले, तो विश्व की एकमात्र खान है वो जावर, जो 1387 के अंदर खोजी गई थी। किसके समय काल में? राणा लाखा के काल में दोस्तों। तो राणा लाखा के दो काम हमने देखे, अब आइए देखते हैं राणा लाखा का तीसरा काम कि क्या किया राणा लाखा ने, तीसरा काम खुद का। और अब देखते हैं तीसरा काम।
अब देखो इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया यहाँ के लोगों को पानी देने के लिए, उस झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम क्या था, पिछोला झील। आज हम पढ़ेंगे कि पिछोला पर आता है, पिछोला झील पढ़ेंगे। अब देखो पिछोला झील तो ये क्या बन रहा है, 14 निर्माण हुआ 14वीं शताब्दी। कुछ नहीं करना, इंग माउंट ट्रिक निकालनी है था ने की को नहीं करना बस। पिछोला तो पी निकालने लग रहा है, कोई दिक्कत कौन, 14 निकाल दिया, 14वीं शताब्दी में हो निर्माण हो गयो। अब हो राजू किन करवायो, लाऊ के आगे लाखा के समय काल में हुआ, किंग के समय काल में हुयो, लाखा के समय काल में हुयो, ला निकालियो लाखा के समय काल में हुयो। अब किन करवायो, पीऊ बना लियो थे पिछु और ये था बणजारा, कौन सा बणजारा था, पिछु बणजारा था, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। और निकाल लियो छह पर निकाल लियो, इंग दूसरो नाम के है पिछु को, दूसरो नाम है छित्तरमल बणजारा, कौन सा बणजारा, छित्तरमल बणजारा। इन चिड़ी मार क्यों कहते हैं गुरुजी, इसको चिड़ी मार इसलिए कहते हैं, ये एक शिकारी था, चिड़ी मारता था ये, और इसने इस दुर्ग का निर्माण, इस झील का निर्माण करवाया बेल की स्मृति पर, बेल की स्मृति पर ये स्मारक बनवाया था इसने। किसी की स्मृति मतलब उसके मरने के बाद यदि किसी का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, उसे हम स्मारक कहते हैं। तो यहाँ पर बेल की स्मृति पर किसने किसका निर्माण करवा दिया इसका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इस झील के किनारे बैठकर करणी माता भजन गाया करती थी, करणी माता क्या गाती थी, भजन गाती थी। जब क्या होता था, शाम हो जाती थी, इस झील के किनारे पर बैठ के करणी माता जब भजन गाती थी तो शाम हो जाती थी। यहाँ पर इस पर मंदिर है, किसका, करणी माता का मंदिर है। आज ये एक क्या है, रोपवे है, रोपवे कहते हैं, रज्जू मार्ग या ताल मार्ग को कहते हैं। ऊंचाई पर यदि किसी देवी देवता का मंदिर है तो पर्यटकों से आय बढ़ाने के लिए हमने क्या है, तारों के माध्यम से डोलियां लटका दी, और तार के माध्यम से सीधी डोली जाएगी और आपको उस रज्जू मार्ग से छोड़ देगी। और इसके अलावा भैपोर क्या है, यहाँ पर बागोर की हवेलियाँ हैं, किसकी, बागोर की हवेलियाँ हैं, किस पर, इसी हवेली है, इसी झील पर बागोर की हवेली। जयपुर क्या है, जयपुर है जग और निवास, और फिर नैपर क्या है, नैपर है नटनी का चबूतरा, किसका, नटनी का चबूतरा है, किस पर है, इस झील पर है। आयो समझ में, बै जय ने भजन तो कंप्लीट, बाद में जयपुर के है, जयपुर है जग मंदिर, किसो मंदिर है दोस्तों, ओ आ गयो, अब जग मंदिर आ गयो। अब बैपर के है बाबा गफूर की दरगाह है, किंग की दरगाह है, बाबा गफूर की दरगाह यहाँ पर है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि पिछोला झील पी का अर्थ हुआ 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, और ला का अर्थ हुआ राणा लाखा के समय काल में निर्माण हुआ, और छह का अर्थ हुआ, पी का अर्थ हुआ पिच्छू बंजारा ने इसका निर्माण करवाया, और छह का अर्थ हुआ इसे चित्रमल या चिड़ीमर बंजारा भी कहते हैं। अगला क्या है गुरुजी, बेल की स्मृति में निर्माण करवायो, और बाद में यदि बात करा तो 1795 में के हो बिंगी बात कर लिया, कितना 1795 में शासक बने भीम सिंह जी, और मेवाड़ का शासक भीम सिंह जी क्या करते हैं, झील का पुनः निर्माण करवाते हैं। इस चीज़ पर जाना आप कि पुनः निर्माण किसने करवाया था, भीम सिंह जी ने करवाया था, कब, 1795 के अंदर। और फिर करणी माता का मंदिर है जिसे रोपवे कहते हैं, और करणी माता भजन गाती थी जब श्याम हो जाती थी, जग मंदिर है, जग मंदिर का निर्माण हुआ था जगत सिंह के सेकंड के काल में, जगत सिंह सेकंड के काल में, जगत सिंह द्वितीय जो थे उसके काल में हुआ था। बाबा गपूर की दरगाह है, बागोर की हवेलियाँ हैं, जग निवास,
जग निवास को शुरू किया था करण सिंह ने, और करण सिंह का बेटा हुआ था उसका नाम क्या था, जगत सिंह जी फर्स्ट। उस जगत सिंह जी फर्स्ट ने क्या कर दिया, जग निवास का निर्माण कर दिया। अब जद भी पूछे नहीं थारू ध्यान रखे, अट्ठू कन्फ्यूजन कर दिया गा, गोल कर दिया गा थाने और थे गलत करे होगा, और देखता देखता याद है फिर भी गलत करी होगा। लेकिन आपको गलत नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना कि जग और मंदिर दो है तो जगत सिंह सेकेंड, जग निवास एक है तो जगत सिंह फर्स्ट। नटनी का चबूतरा की बात करां तो वो भी है जगत सिंह है सेकंड के काल में। जगत सिंह सेकंड के काल में के ओयो जी यहाँ झील है, इन्हें एक पिलर रोप दियो, इन्हें एक पिलर रोप दियो। नटनी के ही गलकी नाम हुईया और इन जेवड़ी बांध ली और बोली मैं ऊपर कर पार कर जूंगी। जगत सिंह ने कहा तू इसके ऊपर से रस्सी के माध्यम से पार कर जाए ना तो तेरे को आधा मेवाड़ दे दूंगा। लेकिन ये पार करगी बेचारी बिल्कुल यहाँ आ गई ना कनोरे पर, तब पीछे से रस्सी काट दी गई थी जिससे गलकी जो थी इसके अंदर गल गई, और इसके अंदर गलने से क्या हुआ कि पास में इसका स्मारक बन गया। ये रहा नटनी का चबूतरा कहते हैं जिसको। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इस प्रकार झील का निर्माण हुआ, इधर जावर की खोज हुई और उधर उसका प्रण लिया हुआ है कि जब तक मैं बूंदी को अपने अधिकार में न लूं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अन्न और जल नहीं पीऊंगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। हम जिस शासक को पढ़ रहे हैं वो है राणा लाखा, राणा लाखा को ही पढ़ रहे हैं। आयो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, क्षेत्र सिंह को पढ़ा पहले। राणा लाखा का दूसरा नाम क्या है याद रखना, लक्ष्य सिंह। कौन सो सिंह है, लक्ष्य सिंह ने के कहा लाख हो के दिया, कोई दिक्कत कौन। समय काल देख लिया क्या है, देख लिया समय काल कि क्या है। अब देखो और के अठे वो पड़े मेवाड़, इस प्रकार में बना दियो अब की बार मेवाड़ मारवाड़ बना दिया ऊपर, ये है मारवाड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मारवाड़ है और अट्ठे ही अट्ठे बना दियो मैं, ये है मेवाड़, वो मारवाड़ है और ये मेवाड़ है। मेवाड़ के अंदर शासक जो है उसका नाम क्या है, राणा लाखा है, है राणा लाखा, राणा लाखा है। और मारवाड़ के अंदर एक शासक है उसका नाम क्या है, राव चूड़ा है। कौन सा चूड़ा है, राव चूड़ा है। अब देखो राव चूड़ा जो था उसके समय मारवाड़ में सामंत प्रथा की स्थापना हो जाती है और राव जोधा के समय सामंत प्रथा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, इसको ध्यान कर रहा। राव चूड़ा जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक शासक है जबकि संस्थापक राव सिया है, इसका भी ध्यान देना। एक चीज और देना ध्यान देना कि ये है राव चूड़ा, और राव चूड़ा जो है उसके बाद शासक बना काना, काना 11 महीने तक शासक रहा था, कितने माह तक, 11 माह तक मारवाड़ का शासक काना रहा था, रे गयो कानो। और पहली है राव चूड़ा, फिर आयो कानो, काने के बाद आया था एक शासक उसका नाम है था सत्ता, और ये बेचारा था अंधा, इसीलिए इसे राठौड़ों का धृतराष्ट्र कहा जाता है। इस चीज का ध्यान देना, मारवाड़ के शासकों में धृतराष्ट्र शासक कौन सा था, सत्ता, और सत्ता क्या था, अंधा था। लेकिन हम राव चूड़ा की बात कर रहे हैं तो हम आगे भी बात करेंगे, आगे हम क्या बात करेंगे, देखो मेवाड़ में कौन है, राणा लाखा, इधर कौन है, राव चूड़ा। राव चूड़ा की थोड़ी सी बात और कर लिया ऊपर, राव चूड़ा को एक प्रतिहार शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंदर सेन, और इंदर सेन की सहायता की राव चूड़ा ने, तो राव चूड़ा को इंदर सेन ने मंडोर दे दिया था और बेटी भी दे दी, बेटी भी दे दी, मंडोर भी दे दिए। काम होते हैं सराहनीय कामों के प्रति, बेटी भी दे दी, बेटी का नाम क्या था, चांद कुंवर, चांद कंवर को दे दी, और इसी मंडोर में आज भी चांद बावड़ी बनी हुई है और चांद बावड़ी चूड़ामन तालाब बने हुए हैं, वो चूड़ा और ये चांद पर भी समर्पित है इन्हीं को। अब क्या हुआ, अब इधर
चूड़ा है, इधर राणा लाखा का एक बेटा है, उसका नाम है राणा चूड़ा। लो इधर है राव चूड़ा, तो इधर है राणा चूड़ा। चूड़ा को चूड़ा भा गया, चूड़ा को चूड़ा से हुआ प्रेम, और चूड़ा ने भेज दिया अपनी बेटी का नारियल। किसके पास भेज दिया? ये नारियल भेज दिया गया किसके पास? चूड़ा के पास। चूड़ा को चूड़ा से प्रेम हुआ, चूड़ा ने भेजा अपनी बेटी का नारियल चूड़ा के पास। वो बेटी कौन सी थी जिसका नारियल भेजा गया? उस बेटी का नाम था हंसा बाई। बीन टाइम के हो चूड़ो कोनी अड़ दरबार में चूड़ो कटी गेड़ो, वो नारियल आ गयो लाखा का। लाखा देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले नारियल बहुत सुंदर है, हो सकता है कि इतनी ही सौंदर्यवान वो लड़की होगी। लेकिन बाद में सेनापतियों ने कहा कि आपके लिए नहीं आया, ये तो राव चूड़ा ने राणा चूड़ा को भेजा है। लाखा ने कहा अब तो हम ही शादी करवाएंगे। वृद्ध अवस्था के अंदर लाखा ने शादी करवाई। देखो चंद के बेटों के बोलो बाप उसी लड़की से शादी करवा रहा है जिससे बेटा करवाएगा। तो बेटा ने कहा आज के बाद मैं विषम प्रतिज्ञा लेता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा जिसे विषम प्रतिज्ञा कहते हैं, कि मैं विषम प्रतिज्ञा लूँगा कि आज के बाद कभी शादी नहीं करवाऊँगा कभी। इसीलिए इसे विषम पितामह कहा गया। विषम पितामह क्यों कहा गया? चूड़ा राणा चूड़ा को इसने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं कभी भी विवाह नहीं करवाऊँगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, हंसा बाई की शादी होनी थी किसके साथ, लेकिन हो किसके साथ गई? होनी थी बेटे के साथ, होगी बाप के साथ। इस शादी के अंदर इधर राणा चूड़ा का एक बेटा था, उसका नाम था रणमल। रणमल ने इस विवाह के अंदर बहुत सारी क्या रखी, शर्तें रखी, और वो शर्तें ये थी, वो राजनीतिक कारण थे। कौन से? वो राजनीतिक कारण थे, विवाह के भी राजनीतिक कारण क्या थे? वैवाहिक संबंध तो मारवाड़ का मेवाड़ के साथ बंधा, लेकिन हंसाबाई का विवाह एक राजनीतिक कारणों में बंध गया। वो क्या? रणमल ने कहा देख लाखा, शादी हम तेरे से कर देंगे, लेकिन हमारी बेटी का जो पुत्र होगा ना वो अगला शासक बनेगा मेवाड़ का। यदि ये शर्त आपको मंजूर है तो ये शादी हमें भी मंजूर है, यदि शर्तें मंजूर नहीं तो आप शादियाँ मंजूर नहीं। चूड़ा ने कहा कि हमें ये शादियाँ शर्तें मंजूर है, आप शादी की तैयारी करो। अच्छा अब शर्तें मंजूर हुई, इसने कहा मैं शासक नहीं बनूंगा, और हंसाबाई का जो बेटा होगा उसी को शासक बनाऊंगा, और इसका बेटा हुआ आगे चलकर मोकल, और मोकल क्या बना? मेवाड़ का शासक बना। कब की बात है? 1421 से लेकर 1433 तक का समय काल मोकल का काल था। लेकिन अब देखो के ओयो कि मोकल जो हनी वो छोटी सी उम्र में शासक बन गया, छोटी सी उम्र में ही मेवाड़ का शासक बन गया। तब रणमल क्या है कि इधर था ना, ये रणमल यहाँ आ गया मेवाड़ में, और जो मामा था ना वो मोकल का बन गया संरक्षक। अब बताइए मोकल का संरक्षक कौन है? रणमल है, उसका मामा है। मामा को यही चाहिए था जो हो गया। अब क्या हुआ कि हंसाबाई और इधर ये राणा जो चूड़ा है इसके बीच में क्या होगी? अनबन होगी, और इस अन और बन के कारण ये चला गया मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तानों के पास। और मांडू कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है, वहाँ जाके रहने लग गया, ये वहाँ रहने लग गया। अब इसने क्या किया, ये जो संरक्षक था रणमल, रणमल ने एक राजनीतिक कारण खेला, और रणमल ने यहाँ के मंत्री राघव देव को मार दिया। किसको? राघव देव जो था ना यहाँ का मंत्री मेवाड़ का, एक भोड़ा भाड़ा और सीधा साधा आदमी था, उस राघव देव को मरवा दिया रणमल ने। देखो रणमल भी है मारवाड़ का, लेकिन मेवाड़ के अंदर दोंस जमा रहा है। देखो जमा रहा है या नहीं जमा रहा है? राघव देव की मृत्यु कर दी। पता चला मोकल को, मोकल उस समय बड़ा हो गया था, और मोकल को धीरे धीरे पता चलने लगा कि मामा जो है वो तो काम खराब कर रहा है। लेकिन फिर मामा को पता चला कि भांजा अब सत्ता को अपनी हाथ में ले रहा है, तो चाचा और मेरा
के कहने चाचा मेरा और चाचा मेरा और चाचा को कहा किसने, उसी रणमल ने और मोक्कल को मरवा दिया। देखो तब इधर से पता चला राणा चूड़ा को, तब रूणा रावण ये जो राणा चूड़ा था वो यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अब लक्ष्य सिंह का साहित्य है वो ये बातें लिखता है, और इसका साहित्य कौन सा है कि इन्होंने बदनौर के क्षेत्र को अपने अधिकार में भी ले लिया था, और यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया होगा आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। इस प्रकार रणमल ने देखो चाचा और मेरा को कहकर मोक्कल की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। लेकिन ये हमने इसी इलाका में ही पढ़ लिया, हम आगे पढ़ेंगे जब अगला शासक आएगा। लेकिन इससे पहले कुछ इसका थोड़ा सा साहित्य है कि इसका इलाका का वो साहित्य क्या है, ध्यान देना। पहली बात तो ये है कि इसने बदनौर को अधिकार में ले लिया। किसको? बदनौर आज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भीलवाड़ा में। इसको अपने अधिकार में ले लिया। किसने अधिकार में ले लिया? लाखा ने इसको अधिकार में ले लिया। दूसरा, धन दे के झोटी ले आया, धन दे के झोटी ले आया। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट, जो टिंग भट्ट धन दे के झोटी ले आया। राणा जी मैं तो धन दे के झोटी ले आया। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट ये दो क्या थे? इनके संस्कृत ज्ञाता थे और ये संस्कृत विद्वान थे। किसके पास? संस्कृत विद्वान थे लक्ष्य सिंह के पास में। तो आज हमने हमारी क्लास के अंदर जो पढ़ा वो कुछ अमीर को पढ़ा, और अमीर के बाद में हमने जिसको पढ़ा वो कौन था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना, किसको पढ़ा हमने, याद है आपको? जल्दी से कमेंट करो कि 64 और 82 के मध्य हमने किसको पढ़ा, और फिर 82 और 21 के मध्य हमने किसको पढ़ा, अब 21 और 33 के मध्य हम किसको पढ़ेंगे। आया ध्यान में? यहाँ था हमीर, हमीर के बाद खेता, खेता के बाद कौन आया? लक्ष्य सिंह। और अब हम आगे किसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? 82 से 21 तक कौन है? यहाँ पर कौन है? 26 से 64 तक यहाँ हमीर, 6 से 4 हमीर, 4 से 2 खेता और 2 से 1 लाखा। आप सबको आज की क्लास के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, ताकि हम और भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के आपके लिए आसान बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे। हमारे लेसन 3 प्रकार के हैं। पहला टाइप कौन सा है कि आपको मैप के माध्यम से चीज़ें कवर करवाई जाए, आपके मस्तिष्क के अंदर एक इमेज बने, एक ओवरव्यू बने, उसके लिए ये तरीका हमारे पास है। दूसरा तरीका इतिहास को याद करने का है, एक शासक को दूसरे शासक से जोड़कर, एक शासक को दूसरे कि यहाँ मैं हूँ तो गंगानगर में कौन है मेरे सामने। और तीसरी बात कि ट्रिक माध्यम से इमेज तैयार की जाए आपके दिमाग में। तो ये 3 प्रकारों से हमारे लेसन रहते हैं। आज के लिए बस इजाज़त चाहते हैं। तो जय भारत दोस्तों, और जय भारत माता की।